नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 247 में। मेरा नाम शुभम है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। आज की हमने आपको बताया था कि जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वहां पर केवल आपको बताया था कि 50 दिन की रणनीति क्या होगी मेरे दोस्त, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रणनीति में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हम वहां पर प्लान करके चलेंगे। तो वहां पर जितने लोग जुड़े हुए थे वहां पर शायद उनसे मेरा ये बात ये हुई थी कि मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट प्लस यहां पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ये रणनीति हमारी लास्ट टाइम हुई थी, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट यहां पर मेरा ये था, सैटरडे को हम यहां पर मॉक लेंगे ताकि हम धीरे धीरे आपको यहां पर तैयार कराते हुए चले गाइस। क्लियर है बात कि नहीं यहां पर? और हमने कोशिश यहां पर ये करनी है, पूरी कोशिश करनी है भैया कि संडे भैया हम लोग को आपके लिए यहां पर कुछ ना कुछ बेहतर देना होगा। क्लियर है? तो ये आपकी रणनीति थी। और फिर लास्ट टाइम मैंने आपको क्या कराया था, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, जो मैंने वहां पर 35 क्वेश्चन का सेट कराया था, 30 क्वेश्चन मैंने कराए थे और 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए मैंने दिए थे। इज इट क्लियर गाइस? तो चलिए बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से यहां पर जितने लोग जुड़े हुए सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, और जल्दी से यहां पर इस सेशन को तेजी से यहां पर शेयर कर देंगे और लाइक ठोक देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो जिसने अभी तक चैनल में, जो चैनल पर नया है, पहली बार देख रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वहां पर प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे भाई बेल आइकन प्रेस जरूर करना है, क्योंकि भैया आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है बात कि यहां पर कोई जगाने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए गाइस, यहां पर बिल्कुल बढ़ूंगा आगे कि 5+ मार्क्स पक्के क्यों कहे सर ने, शुभम सर ने आकर 5+ मार्क्स पक्के क्यों कहे, इसकी भी यहां पर बिल्कुल मैं आपको बताता हूं लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उससे पहले फटाफट यहां पर जितने लोग भी जुड़े हुए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को यहां पर धुआं की तरह यहां पर क्या इसको शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया मेरे भाई, फटाफट अपने छोटे भाई या बड़े भाई का सेशन लाइक कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। और 5+ मार्क्स में इसलिए बोल रहा हूं, क्लर्क के एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं आरआरबी की तरफ। आरआरबी की बात की जाए आपके असिस्टेंट की गाइस, तो वहां पर आपने देखा कि अल्फाबेट्स टॉपिक से वहां पर 5 से 6, किसी में 6 से 7 क्वेश्चन में देखने को मिले। तो वही मैं कह रहा हूं, क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन से होंगे बिल्कुल हम उस पर डिस्कस करेंगे, बने रहिए। उससे पहले यहां पर आज का कोट आप सभी के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा मैंने डिजाइन किया, बहुत बढ़िया शानदार मैंने आपके लिए यहां पर इसको डिजाइन किया है। तो आइए फटाफट इसको मेरे भाई डिस्कस कर लेते हैं कि हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है। कई बार होता है, बहुत बड़े मायने हैं इसके। हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही होती है। कई बार आप देखते हो कि आपका एग्जाम खराब हो जाता है, कई बार देखते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप वहां पर डिसअपॉइंट, बिल्कुल लाजमी है कि डिसअपॉइंट होना कहीं ना कहीं। लेकिन कितने समय तक ये मैटर करता है, उस डिसअपॉइंट जो आप हुए उससे आप क्या सीख पाए, ये बहुत मैटर है मेरे भाई। तो आपने बूढ़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से हमेशा, जब कभी भी आपका नहीं सिलेक्शन होता, मैंने फेस किए चीजों को गाइस, तो वहां पर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं, जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए निराश मत हो और अपनी तैयारियों को मत छोड़ो मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा आपका लास्ट इंप्रेशन नहीं होता है, बहुत सारे इसके यहां पर एग्जांपल्स हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर असफलता आपके आड़े आई है तो सोचिएगा कि आपके लिए एक ऐसी सफलता आपका इंतजार कर रही है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा मेरे भाई। दैट्स वाई किसी भी बुराई में, किसी भी निगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे निकालेंगे, इसकी जरूरत है, और थोड़े की जरूरत है। के साथ मैं शुभम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं मेरे भाई। मैं अपना एक बैच लेकर क्या रहा हूं आप सभी के लिए, मैं अपना एक बैच लेकर क्या रहा हूं 27 अक्टूबर से, जिसमें आपको यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग के इतने शानदार कंसेप्ट, जहां पर मैं बात करूं ये मेरा पहला इंडिविजुअल पेड है। तो मैं यहां पर एक ऐसा शानदार कारनामा करने वाला हूं जो कि यहां पर जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो यही कहे, हाँ शुभम भैया ने कमिटमेंट किया था, पूरा हुआ। क्लियर है? तो गाइस बिल्कुल आज ही ज्वाइन कर सकते हैं आप, Y261 कोड यूज करके 62% का डिस्काउंट आपके लिए यहां पर अवेल है, आज ही आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे सर आपका बैच नहीं आ रहा, पेड बैच नहीं आ रहा, इंडिविजुअल बैच नहीं आ रहा, तो उनके लिए बिल्कुल यहां पर शुभम सर ने यह कारनामा कर दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ू तो यहां पर हम लोगों का
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए पेड बैच जो लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहां पर 16th ऑफ अक्टूबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं शांतनु सर और ओडिशा मैम, उसके लिए भी आप यहां पर स्टोर पे जाकर के Y261 कोड को डाल करके 62% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ू यहां पर, तो आशीष सर का यहां पर 12 अक्टूबर जो कि परसों से बैच स्टार्ट हो चुका है, आपका क्रैश कोर्स है मेरे भाई आरआरबी के लिए, आरआरबी मेंस के लिए, और आपका दक्ष प्लस बैच जो कि हमारे यहाँ पर शांतनु सर का है 16th ऑफ अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसको भी आप अवेल कर सकते हो Y261 कोड लगा करके, डिस्काउंट आपको आज के डेट में 62% मिलने वाला है। और ये बुक्स का सेट है, आप यहां से बुक घर मंगा करके तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो एस की रीजनिंग है ना मेरे भाई, यहां पर बहुत सारा वैरायटी है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आप किसी भी जो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, सब आप इससे तैयारी कर सकते हो। चलिए शुरू किया जाए, लाख दुखों की एक दवा, लाख दुखों की एक दवा के सर इंडिविजुअल कहां तक लेंगे मेरे भाई, महापैक ले लीजिए और इसमें आपको सारी चीजें प्री से लेकर के इंटरव्यू तक मैनेज हो जाएंगी, ईबुक्स मैनेज हो जाएंगी गाइस, 62% है, धमाका मचा दो, जय हिंद जय भारत। शुरू करते हैं यहां पर आज के सेशन को, और आज के सेशन में आपको शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा यहां पर कि कैसे हम यहां पर, और उससे पहले यहां पर एक आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज है यहां पर, क्या 16th of October, ठीक है 16th of October कुछ आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग आने वाला है, तो आज ही डाउनलोड करिए आप Adda247 की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर बता देता हूं गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक एक पार्ट से, तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहूंगा मैं क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या केवल नंबर्स की सीरीज आपको मिल सकती है, केवल नंबर्स की सीरीज मिल सकती है इंडिविजुअल, या केवल लेटर्स की सीरीज आपको मिल सकती है इंडिविजुअल, या फिर यहाँ पर नंबर प्लस लेटर प्लस सिंबल की सीरीज मिल सकती है इंडिविजुअल, क्लियर है। आपने सीरीज जरूर देखी होगी वाली, कि बताओ एक सीरीज है जिसमें लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है। अब कहता है बताइए राइट से फोर्थ एलिमेंट के, राइट से फोर्थ एलिमेंट के लेफ्ट आपका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, क्लियर है ऐसा। और अगर हम बात करें उसके बाद, तो आपको क्या थ्री लेटर बेस्ड आपको यहां पर थ्री लेटर की बात की जाए या फोर लेटर की बात की जाए, डिपेंड करता है, और थ्री नंबर्स पे बेस्ड या फिर यहां पर फोर नंबर्स पे बेस, यहां पर आपको क्या मिलती है, सीरीज मिलती है। इसके अलावा क्या आता है, पांच प्लस नंबर अगर है तो क्या क्या वैरायटी है, वो तो मैं दिखा दूं आपको। उसके अलावा यहां पर आप सभी को मिलता है क्या, पेयरिंग वाला क्वेश्चन, क्या मिलता है, पेयरिंग वाला क्वेश्चन, और क्या मिलता है इसी से, वर्ड फॉर्मेशन मिलता है, क्या मिलता है, वर्ड फॉर्मेशन मिलता है, या कह सकते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड, क्या बोल सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड मिलता है बच्चे आपको। इसके अलावा क्या मिलता है आपको वहां पर, इसके अलावा यहां पर क्या, नंबर अरेंजमेंट, क्या मिलता है, नंबर अरेंजमेंट, कहता है ना एक नंबर आपको दिया होता है, कहता है इवन डिजिट्स को प्लस वन करना है और ऑड डिजिट्स को यहां पर माइनस करना है, उसके बाद बताना है कितने नंबर का प्लेस आपका सेम प्लेस पर अवेलेबल है, समथिंग एल्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके यहां पर होंगे, दिस इज कॉल्ड आपका क्या, यहां पर नंबर अरेंजमेंट। तो चलिए शुरू करते, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का यहां पर आज के सेशन को धुआंधार तरीके से हमें यहां पर शुरुआत करनी है, धुआंधार तरीके से हमको यहां पर क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मैं टाइमर नहीं चला रहा हूं अभी, मैं टाइमर नहीं चला रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर बात करने वाला हूं पहले कंसेप्ट के इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहां पर बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ फ्रॉम द राइट। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन से मिल जाए तो आपको टेक्निक, केवल दो टेक्निक होती है, दो टेक्निक होती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्या क्या होती है सीखेगा। पहली टेक्निक होती है आपके सेम लेस, क्या होता है, पहली टेक्निक होती है सेम लेस, ठीक है ना, और दूसरा टेक्निक यहां पर क्या होता है, डिफरेंट प्लस। इन दोनों को कहीं नोट डाउन कर, माफी चाहूंगा गाइस, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू आ गया था, तो अभी मुझे बता दीजिए क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं, क्या आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज एक बार अश्योर कर दीजिए क्या आप अपने भाई को अभी सुन पा रहे हैं, फटाफट एक बार मुझे अश्योर कर दीजिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ या ना, जल्दी से हाँ या ना जल्दी से बता दीजिए, मुझे लगता है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार आप भी मुझे बता दीजिए हाँ या ना जल्दी से एक बार गाइस फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार,
ठीक है चलिए गाइस, तो यहां पर मैंने दो फंडे आपको बताए, एक बार फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए ताकि यहां पर वापस लोग आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस यहां पर बढ़ते आगे, सेमलेस और डिफरेंट प्लस, ये दो टाइप की चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न में सेमलेस और डिफरेंट प्लस दो चीजों को याद रखिएगा। जैसे यहां पर क्या पूछा है, आइए बहुत डिटेल से बात करते ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द क्या बोला, लेफ्ट बोला, ठीक है ना, ऑफ एट फ्रॉम द राइट। अब देखो दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्शन क्या सेम है, क्या लेफ्ट लेफ्ट है, क्या राइट राइट है, नहीं, कैसे है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट का सिंबल क्या है, प्लस। तो यहां पर सोचो क्या बोला उसने, फिफ्थ टू द लेफ्ट, क्या बोला, फिफ्थ टू द लेफ्ट बोला, मैंने लिख दिया, क्लियर है, समझना बात को। और कहता है एट्थ फ्रॉम द राइट, और क्या बोला, एट्थ फ्रॉम द राइट मतलब राइट से एट्थ, क्लियर है। तो जब कभी भी दोनों डिफरेंट है, देखो लेफ्ट और ये क्या है बेटे, राइट, तो जब दोनों यहां पर डिफरेंट होते हैं तो क्या होती है, वैल्यूज उनकी आपस में प्लस हो जाती है। तो आप देखो पांच और आठ आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई कहां से देखें हम, लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, तो गाइज आपको यहां पर केवल इतना से करना है, आप उस लैंग्वेज में देखो फ्रॉम कहां लिखा हुआ है, फ्रॉम कहां लिखा हुआ है, क्लियर है। हिंदी में देखो से कहां लिखा हुआ है, कहता है दाएं छोर से, पहले वाला से, ठीक है ना, पहले वाला से बताना है, ठीक है ना, दाएं छोर से लिखा हुआ है, तो कहां से बेटा, इंग्लिश में देखो फ्रॉम द राइट लिखा हुआ है, मतलब जहां भी जिसके साथ भी फ्रॉम लिखा हो उसको उठा लो, राइट से 13 आपको बताना है, काम खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आंसर यहां पर कितना बन गया हमारा, 5, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला बन गया। क्या था, सेम लेस हो जाएगा, डिफरेंट प्लस हो जाएगा। अब हमें यह सब लिखना विखना नहीं है, जैसे क्वेश्चन पेपर में आया तुरंत देखा कि वहां पर दोनों सिग्नल कौन से है, राइट राइट है क्या, लेफ्ट लेफ्ट है क्या, क्या राइट और दूसरा लेफ्ट है क्या, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो वैल्यूज को प्लस कर दो। और इंग्लिश में देखो फ्रॉम किसके साथ लगा है, फ्रॉम राइट के साथ लगा हुआ है, कहानी खत्म। राइट से कितना निकालेंगे, 13 निकालेंगे, क्लियर है। अब मान लीजिए अगर यहां पर अगर मान लीजिए होता लेफ्ट, क्या होता लेफ्ट होता, तो सोचो ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है हमारा, बोलो क्लियर है बात की नहीं। यहां पे जब दोनों लेफ्ट है तो ये लेफ्ट से कितना हुआ, फिफ्थ, और ये लेफ्ट से कितना हुआ आपका, यहां पर आपका ये एट्थ हुआ। आपको पता है सेम क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं, तो यहां पर 8 में से 5 क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सर एक तो इसमें क्या है, लेफ्ट ही की बात की गई है, तो लेफ्ट से तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका ये आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। कंसेप्ट इज क्लियर, जल्दी से बोलेंगे कंसेप्ट इज क्लियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं लिए मैं आपको टाइमर लगाता हूं, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए गाइस टाइमर लग चुका है, नाराज हो गए लोगों ने, डिसलाइक कर दिया, मतलब हाँ क्या बोलूं मैं यार, मतलब चलो चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइए बात कर लेते हैं ठीक है। यहां पर कह रहा हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, आंसर कितने आ रहे, फटाफट अब आपको आंसर देते चलना है, आंसर यहां पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट यहां पर बात करते चलेंगे, क्या क्या कह रहा है, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, कहता है ऐसे कितने फाइव हैं। समझना दो बातें बहुत जरूरी होती हैं, आप चलो इसमें तो नहीं एक है, दो बातें बहुत जरूरी होती हैं, आपको एक मिलता है प्रीसीडेड, क्या मिलता है बेटा, प्रीसीडेड मिलता है, क्लियर है, और एक मिलता है फॉलोड, क्या मिलता है, फॉलोड। कभी भी प्रीसीडेड वर्ड का यूज हो इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बिफोर, क्या होता है, पहले। फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में आना, मतलब क्या बेटे, बाद में आना। ये दो शब्द याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीसीडेड और यहां पर क्या, फॉलोड, इज इट क्लियर। इसमें क्या बोल रहा है, कहता है हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, ऐसे कितने फाइव है, इन द सीरीज विच आर फॉलोड बाय अ नंबर लेस देन 4, कहता है ऐसे कितने यहां पर पांच हैं जिनके ठीक बाद एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से क्या है, छोटा है, क्या है, लेस देन यहां पर क्या है, 4 है, इज इट क्लियर, लेस देन यहां पर क्या है, 4 है। क्या करेंगे यहां पे, देखो ढूंढो सीधे 5 पे जाके अटैक करो, 5 कहां पर है, ये मिला, 5 के बाद जो अगला है क्या ये 4 से छोटा है, अरे ना बाबा ना, 5 के बाद ये अगला 4 से छोटा है क्या, नहीं, 5 के बाद अगला 4 से छोटा है, हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर है, 5 के बाद ये अगला 4 से छोटा है, नहीं सर ये 4 से छोटा कहा था, लेकिन ये कितना है, 4 है मेरे भाई, ये 5 के बाद अगला 4 से छोटा है, हाँ सर। तो कितने ऐसे बन रहे हैं, कितने ऐसे बन रहे हैं, केवल 2 ऐसे बन रहे हैं, एक ये बना दूसरा ये बना, आंसर हमारा आ जाएगा डी वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बोलो क्लियर है बात। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए समय शुरू हो चुका है भैया,
ओके गाइस, हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे कि यहां पर कह रहा है ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको सिखाया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको भी सिखाया था। क्या क्वेश्चन सिखाया था? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट विल बी टू द सिक्स टू द लेफ्ट एंड एट फ्रॉम द राइट। अभी सिखाया था। तो क्या बोला यहां पर, सिक्स टू द लेफ्ट आया है और एट फ्रॉम द राइट, मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट है कि नहीं यहाँ पे। तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। वैल्यूज कौन कौन सी है, सिक्स है और यहां पर एट है। आठ छह कितना हो जाएगा, छह और आठ कितना है यहाँ पर, चौदह, मतलब 14 हो जाएगा। लेकिन कहां से सर, राइट से या लेफ्ट से? तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम कहां लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है राइट के साथ, फ्रॉम द राइट। तो राइट से 14 आपको यहाँ पर चेक करना है। तो राइट से 14 का मतलब 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 और 14। आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, क्यू आंसर आ गया, डी वाला बिल्कुल क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो गया। मजा आया कि नहीं आया? 10 सेकंड में आंसर आएगा बच्चे, 10 सेकंड में, ठीक है ना। गिनने वनने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बड़ा बट इसका आंसर बताएंगे। ये केवल लेटर की सीरीज चल रही है, मैं मिक्स भी लाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए, बहुत कुछ है आप सभी के लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समय शुरू होता है अब। फटाफट एक बार शेयर कर देंगे सेशन को अपने टेलीग्राम पे, जहां जहां शैतानियां करके आ जाओ जल्दी से, हाँ जैसे मेरे में आ जाते हो तुम लोग। हाँ ओके गाइस, यहां पर क्या कह रहा है बात कर लेते हैं। कहता है क्या, इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट। देखो समझना बात को, यहां पर ऊपर कंडीशन लगी है, लगी रहने दो। ऊपर उसने कहा अगर वॉवल को हटा दे, लेकिन नीचे वाली को समझ लो पहले। विल बी द 10th टू द लेफ्ट, कहां से बोला, लेफ्ट से बोला। कितना बोला सर, 10th बोला, टू ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट। अब दोनों यहां पर क्या, लेफ्ट ही लेफ्ट है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू लेस हो जाएंगे। तो यहां पर कितना है इसका, 16th है। तो आप देखो दोनों जब लेस हो जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, वो भी कहां से, तो फ्रॉम किसके साथ, फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से आपका छठवां क्या होगा। लेकिन बाबू वहां पर वॉवल को सब हटा देना, ऊपर कहा है इफ ऑल द वॉवल्स आर रिमूव। तो चलिए शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसे नहीं गिनना 5, और इसे भी नहीं गिनना क्योंकि ये वॉवल है, इसे भी नहीं गिनना, वॉवल है। ये हो गया आपका छठवां, मतलब आंसर यहां पर क्या हो गया हमारा, आंसर यहां पर हमारा हो गया मेरा आर आंसर, बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं यहां पर जितने मेरे साथी जुड़े हुए हैं, जितने मेरे यहां पर लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहां पर क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह रहा, नो टाइमर आंसर बताएं। भाई चलो फटाफट एक बार शेयर करेंगे, यार शुभम सर, मतलब आपके लिए इतना शानदार सेशन शुरू किए हैं ना, मैं सिद्धार्थ सर, शांतनु, संतोष सर, तो उसका तो कहीं ना कहीं बराबर प्यार मिलना चाहिए दोस्तों, प्यार बराबर मिलना चाहिए। चलिए गाइस, क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रेजेंट इन द अबव सीरीज, मतलब यहां पर कह रहा है हाउ मेनी सिंबल्स, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रेजेंट इन अबव सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड का मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया था, फॉलोड का मतलब बाद में, अगर हिंदी में बात करूं या फिर After बच्चे, followed का मतलब बाद में, followed by a number मतलब क्या हो जाएगा, बाद में number आ जाएगा, clear है बात, बहुत प्यार से हिसाब किताब। इसमें गलतियां करते हो आप लोग, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, गलती करते हो मेरे भाई, ठीक है ना। And preceded मतलब पहले, by a consonant, और उसके पहले क्या आना चाहिए, consonant। मेरे भाई सबसे ज्यादा दूर से क्या दिखेगा सर, हमको सिंबल दिखेगा, लहराता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, ये हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंबल के बाद नंबर आया, लेकिन क्या सिंबल के पहले कॉन्सो आया, नहीं आया। सिंबल के बाद क्या आपका नंबर आया, नहीं आया। सिंबल के बाद नहीं आया सर, सिंबल के बाद नंबर नहीं आया सर, सिंबल के बाद नंबर नहीं आया, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। आंसर क्या होगा, नन। बेटा ये सबको आता है, लेकिन ट्रिक के साथ किसको आता है, तेजी से किसको आता है, ये एग्जामिनर जानना चाहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा, फटाफट बताएंगे, नो टाइमर फॉर दैट। चलिए फटाफट बताएंगे, हेलो हेलो नील, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, तैयारी बच्चे करते रहो आप, सिंह नील, बाकी आप
समझदार हैं क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इसका मतलब आप टैलेंटेड तो हो, बाकी यहाँ पर मेहनत की जरूरत है। ओके चलिए फटाफट आंसर बताएंगे बच्चे। ओके विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भैया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट विच आर 11th फ्रॉम द लेफ्ट। आप समझना, जो आपका लेफ्ट से 11th है एंड 7th फ्रॉम द राइट, मतलब कह रहा है यहां पर जो राइट से 7th है उनके बीच यहां पर कहा गया है कौन बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच विराजमान है मेरे भाई। चलो लेफ्ट से 11 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका 11th हो गया। ओके यहां से राइट से 7th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 7th हो गया। अब इनके बीचों बीच देखना है, बीचों बीच वही होगा, तभी होगा जब डी और जे के बीच ऑड नंबर्स होंगे मेरे भाई। बोलो कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता देना मेरे भाई, जन हित में जारी। तो देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका मतलब ये ऑड आया, मतलब मिड में जरूर मिलेगा। कौन होगा मिड में, चूंकि 11 है तो 5 यहां बीच में बचेगा, कौन आपका जो भी होगा मिड में। तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 6। शानदार जानदार, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट उड़ाएंगे आज 20 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से करेंगे 20 क्वेश्चन करेंगे आज। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, उड़ाते रहिए, जल्दी से उड़ाते रहिए। चलिए जल्दी से उड़ाते रहिए, दुनिया जलती है जलने दो और खाओ पियो एस करो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने के साथ यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये क्वेश्चन भी निपटा दिया होगा। और ये क्वेश्चन क्या कहता है ये बात करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन द एबक सीरीज। नंबर की बात कर रहा है भैया, बहुत ध्यान सुनना। विच इज इमीडिएटली फॉलो, फॉलोड के बाद शुभम सर ने क्या बताया था, फॉलोड का मतलब क्या होता है, बाद में रखना है, फॉलोड बाय अ नंबर, बाद में फिर से एक नंबर आ गया। फिर कहता है एंड प्रेसीडेड बाय अ वोवेल, मतलब उसके पहले क्या आना चाहिए, एक वोवेल आना चाहिए मेरे भाई। वॉवेल के आगे दो नंबर, क्या बना कंसेप्ट, वॉवेल के आगे दो नंबर आना चाहिए। तो वॉवेल के बाद जब आगे वहां पर दो नंबर आना चाहिए तो आप ढूंढो वहां पर वॉवेल के बाद दो नंबर कहां पर मिल रहा है। देखो भैया वॉवेल के बाद दो नंबर नहीं मिला, वॉवेल के बाद दो नंबर नहीं मिला, वॉवेल के बाद दो नंबर नहीं मिला, फिर कहां पर वॉवेल, फिर कहां पर वॉवेल, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा है ये वाला पेयर, ये वाला पेयर कहीं नहीं मिला। सो आंसर विल बी व्हाट हियर, नन नन नन, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई, शानदार जानदार, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन सर, लेटर, थ्री लेटर बेस, मैं सारे चीजें कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में मिलता है, आपका भाई सब कुछ कराने वाला है यहां पर, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। जो पहली बार जुड़ा है सेशन में भैया, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अड्डा ही है आपको जो बैंकर बना सकता है गाइस। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये तीन लेटर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार आपको टाइमर लगाता हूं, आप इसका आंसर दो, मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। चलिए ओके, ऐसे प्रश्न में इसको सॉल्व करने बड़ा मजा आने वाला है, मतलब आता ही है मजा, और जल्दी से मुझे इसका आंसर भी लोगों ने दे दिया है, सी आंसर देना है, बहुत बढ़िया। कहता है इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, मतलब वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनको आपको कैसे लगाना है बच्चे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। फिर कहता है देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, और जो वर्ड बना उसका आपको बताना पड़ेगा मीनिंग क्या है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अश्योरिटी बहुत जरूरी होती है जब एग्जामिनेशन में आप बैठते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या बना, बीसीयू गलत सर, कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। फिर यहां पर क्या बना, एएमटी, कोई वर्ड ही नहीं बना सर। यहां पर बीओएक्स, बॉक्स मतलब डिब्बा, बिल्कुल सही है। और फिर यहां पर अल्फाबेटिकली ये पहले से अरेंज है, पहले एफ आएगा फिर आई आएगा फिर एक्स, फिक्स का मतलब यहां पर क्या, अश्योर कर देना, फिक्स कर देना, ठीक है ना। एयर, ए आई आर, ये भी पहले से फिक्स है। हाउ मेनी, थ्री वर्ड्स आर देयर जिसका मीनिंगफुल एक कह सकते हैं वर्ड बन गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उड़ाएंगे इस प्रश्न को, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर विदाउट टाइमर, फटाफट करेंगे, फटाफट 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 करेंगे, जल्दी से करेंगे, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत ही बढ़िया, जल्दी चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, इस प्रश्न में भी क्या हो रहा है, इस प्रश्न में भी क्या हो रहा है बात कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कहते हैं सारे वर्ड को, अब वर्ड की बात हो रही है, देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो,
विद इन द वर्ड बोलता है या केवल वर्ड बोलता है। वर्ड को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली तो आपको उसके पहले लेटर के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, लेकिन विद इन द वर्ड बोले मतलब क्या, वहां पर उसके अंदर के लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है। कह रहे इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हाउ देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन्स एट द सेम पोजिशन। किसी भी शब्द की पहचान कि वो कैसे अरेंज हो अल्फाबेटिकली अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका पहला लेटर बताता है। तो सबका पहला लेटर देखो सी है, यहां पर एम है, यहां पर बी है, यहां पर एफ है और यहां पर ए आर है। क्लियर है तो सर यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा। कौन आएगा सबसे पहले, ए वाला आएगा, डन। फिर कौन आएगा ए के बाद, यहां पर बी वाला आएगा, बोलो डन। ये वाला आ गया। फिर कौन आएगा यहां पर, सी वाला आएगा, बोलो डन। हर एक वर्ड का पहला लेटर शुभम सर यहां पर ले रहे हैं। और फिर यहां पर क्या आएगा आपका, एफ आएगा ना। तो देखो एफ यहां पर बिल्कुल वही मिल रहा है जहां पर अवेलेबल है। और उसके बाद क्या बचा, बच्चे आपका एम बचा। और एम कहां पर आ गया, ये। तो आंसर क्या बना, आंसर बना कि केवल सर एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसी एक्टिविटी करने के बाद सेम प्लेस पे रहेगा, वो है आपका कौन, यहां पर फिक्स। होप सो कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताएंगे थ्री नंबर्स वाले, थ्री डिजिट कह रहा है यहां पर क्या, थ्री नंबर्स। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे ये वाला प्रॉब्लम भी, आइए देखते कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। और ध्यान रहे अब डेली 11 AM आपको हर हाल में शुभम सर यहाँ पर मिलने वाले, क्योंकि सारी जो है चीजें हो चुकी हैं, सेटअप हो चुकी है बेहतर तरीके से, ठीक है ना। और दिन में एक मैं एक्स्ट्रा करिकुलम भी करूंगा जहां पर आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप उसमें जरूर एक बार देख लिया करो कि मेरा कहां पर लगा हुआ है शेड्यूल, ठीक है ना। ये बड़ा मस्त रहने वाला है। ओके चलिए फटाफट एक बार जल्दी से यहां पर जितने भी लोग हैं आपकी तरह इसको फैला दो और 500 प्लस यहां पर ले जाने का कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं आपको एक कह सकता हूं काम दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो आपको मैं काम दे रहा हूं और होप्स हो कि आप ये काम पूरा करेंगे शुभम सर का। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको एक एक बार शेयर करना पड़ेगा अपने फेसबुक में, अपने टेलीग्राम पे या व्हाटएवर जहां पर भी, ठीक है ना। चलिए जय जय श्री राम। आगे बढ़ते हुए यहां पर ऐसे क्वेश्चन तो मेरे फेवरेट होते हैं जहां पर नंबर्स की बात करता है, बहुत आसान होते हैं और ये आपको मैं बता दूं एग्जामिनेशन में बिल्कुल मिल सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए यहां पर क्या कह रहा है, यदि हम सभी संख्याओं को बाएं ओर से मतलब लेफ्ट एंड से अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो वही वाला उसका लेटर में था, ये नंबर में आ गया, लेकिन क्या करना है यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है। जब डिसेंडिंग लगाओगे तो कोई भी नंबर बड़े से छोटा जब आप लगाओगे और कोई भी नंबर बड़ा है या छोटा है वो किससे पता चलता है, पहला डिजिट से पता चलता है, पहला डिजिट से पता चलता है। और यहां पर आप देखिए सबसे बड़ा डिजिट यहां पर किसका है, 7 वाला है, ये यहां पर आएगा। बोलो क्लियर है बात, क्योंकि डिसेंडिंग लेफ्ट टू राइट लग रहा है। ओके क्लियर है। फिर 7 के बाद यहां पर कौन सा आ गया, 7 के बाद फिर यहां पर आपका 6 आ गया, बोलो 6 वाला आ गया। तो ये सेम प्लेस पे रहा कि नहीं रहा, हाँ जी सर रहा। अब इसके बाद यहां पर क्या आएगा, 4 वाला आएगा, देखो 4 वाला यहां पर आ गया। उसके बाद फिर यहां पर कौन आने वाला है, यहां पर आपका 2 वाला आने वाला है, 2 वाला देखो यहां पर आ गया। और फिर यहां पर 1 वाला आने, कितने ऐसे हैं जो सेम रहे, तो 2 ऐसे नंबर हैं जो कि सेम पोजिशन पर मेरे भाई रहे। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट बताएंगे ये क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाने वाला है मेरे भाई, फटाफट बताएंगे। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग, थैंक यू सो मच। जल्दी से करेंगे, बहुत बढ़िया शानदार। अरे आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग क्लासेस रहने वाली, डू नॉट वरी एट ऑल। मैं आप आज सारे अल्फाबेटिकल के जो भी पॉइंट्स है इसको बहुत गौर से पढ़ो, रुक के पढ़ो, जाने की जरूरत कहीं नहीं है, सारा अल्फाबेट न्यूमेरिकल पार्ट में खत्म कर देने वाला हूं, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस करना केवल फिर धुआंधार तरीके से। ओके क्लियर है। ट्रिक मैं बताता चल रहा हूं धीरे धीरे जहां जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, इफ बी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर। और ये सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, मैंने वही उठाए हैं आज, ठीक है ना। देन हाउ मेनी नंबर्स बिकम इवन। अब समझो, कभी भी कहता पहले और तीसरे को अगर यहां पर बदल दो तो 1 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। लेकिन कोई भी संख्या, कोई भी नंबर इवन कैसे होती है, उसके लास्ट नंबर से पता चलता है कि वो 2 से डिविजिबल है तो आपका इवन है, नहीं है तो वो आपका ऑड है। तो देखो जब आप इंटरचेंज करोगे तो 4 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। इसका मतलब जो पहला वाला है वही तो तीसरे में जा रहा है, तो मैं कहता हूं जो पहला वाला वही तीसरे में जा रहा है और तीसरा नंबर ही बताएगा वो इवन है कि ऑड है। मैं क्यों कुछ करूं, मैं तो केवल क्या करूंगा पहले नंबर को चेक करूंगा, क्योंकि वही तो आखिरी में जाने वाला है। ये इवन है, हां सर ये इवन है, ये इवन है, हां सर ये इवन है। क्यों इवन है, 2 से डिवाइड है,
ये इवन है, हाँ सर इवन है, ये इवन है, नहीं सर ये दो से डिविजिबल नहीं है, ये इवन है, नहीं सर दो से डिविजिबल नहीं है। मतलब कितने ऐसे थ्री हैं ऐसे जो कि यहां पर क्या है बेटा, जो यहां पर क्या है, पेन का यूज करना ही नहीं पड़ेगा भाई साहब, पेन का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, पांच से दस सेकंड के अंदर खत्म। क्लियर है? अगला प्रश्न बताएंगे, अगला प्रश्न बताएंगे यहां पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल डेली होगा, हर्ष कुमार ओझा बिल्कुल डेली होगा, ठीक है ना, क्या बात है मोहम्मद औसफ, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही एक रेगुलर स्टूडेंट जो कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा 30 प्लस आ रहा है, वेरी गुड यार, बस एक बार कमी है तो आपके यहाँ पर लाइक ठोकने की, जल्दी से यहाँ पर सब लोग यहाँ पर लाइक प्रेस करेंगे, लाइक टच करेंगे। बिना पेन के तो उड़ाना है मेरे भाई। देखो भैया मैं हमेशा कहते हूं कि रेस में बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, बहुत सारे रेस में घोड़े दौड़ते हैं मेरे भाई, एक से घोड़े जोड़ते हैं, लेकिन बोली किस पे लगती है, एक बात बहुत ध्यान रखना, बोली उसी घोड़े पे लगती है जिसके कारनामा, जिसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार हो, जो अव्वल दर्जे का होता है। तो भाई सोचो हमको कौन सा वाला घोड़ा बनना है जिसपे बोली लोग लगाए, अरे कहे इस पे आंख बंद करके बोले, अरे इस पे तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, अरे ये व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बनना है। और ऐसा बनने के लिए हमेशा याद रखिए गोल सेट करना पड़ता है। कभी भी ध्यान रखिएगा लाइफ में, हमेशा मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी लिमिटेड मत बनिए। जिस दिन आप लिमिटेड हो गए ना, उस दिन आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आपको अगर ग्रोथ करनी है तो हमेशा कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कई तरह के लोगों के कई तरह के कंफर्ट जोन होते हैं जो वहां से निकल नहीं पाते हैं। भाई अगर बात करूं यहां पर कि आज अगर आपने उस चीज का त्याग नहीं किया तो 35 साल आपको सरवाइव करना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, टिपिकल सिचुएशन में सरवाइव करना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई कंफर्ट जोन को आज अगर छोड़ दोगे तो आने वाला कल आपको कंफर्ट जोन में ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन आज अगर कंफर्ट जोन में जाओगे मेरे भाई आपका कल बहुत ही, कह सकता हूं क्या ही बोलूं मैं, डार्क रहने वाला है। अपने भाई की बात दिल से सुनो, एक्सपीरियंस बोलता है, कभी भी रुको मत, आगे बढ़ते चलो, कंफर्ट जोन नहीं देखना है, जितना तपेंगे उतना चमकेंगे, आज का यहां पर ये बात है, ठीक है ना। चलिए गाइस यहां पर क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं, यहां पर क्या कहता है पढ़ लेते हैं, कहता है अगर पहले और दूसरे को इंटरचेंज करें, पहला और दूसरा इंटरचेंज अगर करें तो यहां पर कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम्स थर्ड हाईएस्ट नंबर। मेरे भाई फिर सुनना, कोई भी नंबर छोटा या बड़ा किससे होता है, पहली डिजिट से होता है। सोचो जब इसको हम यहां पांच को ले जाएंगे, यहां चार को ले जाएंगे, तो दूसरे नंबर वाला ही तो पहला नंबर बन रहा है। क्लियर है बात कि नहीं यहां पे? तो मैं क्या करूंगा, जब दूसरे नंबर वाला ही पहला नंबर बन रहा है उसी में मैंने टिक कर लेना है और अब इसको देख करके हमें थर्ड हाइएस्ट बताना है। तो सबसे जो बड़ा एक नंबर बनेगा वो बनेगा आठ वाला, बनेगा पहला नंबर हमारा सबसे हाइएस्ट। दूसरा कौन सा बनेगा, हमारा ये पांच वाला, तो पांच यहां पर भी है, पांच यहां पर भी है, तो देख लो भैया पांच चार एक, ये क्या बनेगा पांच दो चार, तो दूसरा ये बना और तीसरा हमारा ये बना, तो आंसर क्या बना हमारा 254। क्लियर है बात कि नहीं यहां पे? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और समय शुरू होता है मेरे भाई। आओ मैंने बिल्कुल इंटरचेंज वाले क्वेश्चन दिए, अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। थैंक यू सो मच शांतिनी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हर्ष डेली क्लास चलेगी, डू नॉट वरी, आंसर दें। ओके टाइम्स अप गाइस। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के। तो यहां पर बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी यहां पर जुड़े हुए हैं, कह रहा है इफ वी इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, सेकंड और थर्ड डिजिट को अगर आपस में हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो यहां पर कह रहा है देन हाउ मेनी नंबर्स बिकम ऑड। सिंपल सी बात है यार, ऑड नंबर कैसे पहचानेंगे, उसकी लास्ट डिजिट से। तो सेकंड वाला ही तो तीसरे में जा रहा है। इसका मतलब आप सेकंड वाले को देख लो, क्योंकि यही तो तीसरा जाएगा, यही तो तीसरा लेटर नंबर बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, लिख कर करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सोच समझ के करने की जरूरत है, बहुत आगे तक जाने वाले हो। और देखो पांच चूंकि आप देख पा रहे हो ये ऑड है, तो यहां पर ये आपका कहां आ जाएगा, पांच चूंकि यहां जाने वाला है, हां सर ये ऑड है। किसी भी संख्या का अंतिम जो डिजिट होता है वही बताता है कि हम ऑड है कि हम इवन है। आठ क्या ये आपका ऑड है, नहीं गलत। पांच क्या आपका ऑड है, हां बिल्कुल सही। दो क्या आपका ऑड है, बिल्कुल गलत। तीन क्या आपका ऑड है, बिल्कुल सही। कितना आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर, तीन आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब डी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, और आपका समय शुरू होता है अब। Mm-hmm.
चलिए गाइस बात कर लेता हूं यहां पर किस पर्टिकुलर क्या होगा यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है व्हाट इज द टोटल सम, बहुत गौर से सुनना, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट। तो फ्रॉम लेफ्ट सेकंड नंबर ये हुआ और इसकी किस डिजिट की बात कर रहा है, थर्ड डिजिट, मतलब किसको उठा ले, मतलब पांच को उठा ले। और फिर कहता है एंड सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट, तो 1 2 3 ये सेकंड थर्ड नंबर हो गया फ्रॉम राइट और यहां पर इसकी सेकंड डिजिट की बात हो रही है, मतलब किसको उठा ले, पांच को उठा ले। क्या कहा गया, कुल योग कहा गया है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा डंके की चोट में। आंसर यहां पर क्या गया हमारा बच्चे, यहां पर 10 आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऑड वन आउट सीरीज से पूछ सकता है, आपका समय शुरू होता है ऑड वन आउट। बहुत ही बढ़िया शानदार, बहुत ही बढ़िया शानदार। देखो मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन में अगर पूछ ले जहां पर एक सीरीज पर्टिकुलर एक छोटे से लेवल पे अगर यहां पर दी हो, छोटे से पैमाने पर अगर दी हो, ठीक है, तो कहा गया है ऑड वन आउट अगर यहां पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो कहा गया है बताओ कौन से पांच में से एक ऐसा है जो कि चार ऐसे हैं जो कि ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा है और ग्रुप में शामिल नहीं होता है, क्लियर है। तो यहां पर BSW देखें, तो BSW का देखना पड़ेगा क्या कंसर्न है सीरीज में, क्या नेचर है। तो देखो भैया बी के बाद एस हमारा प्लस तीन करने पे आया और फिर W यहां पर S से माइनस टू करने में आया, तो यहां से यहां प्लस थ्री किया और यहां से यहां माइनस टू किया, तो क्या J K F में भी ऐसा चल रहा है। तो देखा J K F, J यहां पर ये K में प्लस, J जब K में गया तो कितना 1 2 3 प्लस थ्री हुआ और K से F में माइनस टू, बिल्कुल सही हुआ यहां पर। चलो इसका मतलब ये ग्रुप चल रहा है प्लस थ्री माइनस टू, प्लस थ्री माइनस टू ग्रुप इज गोइंग ऑन। अब कहता है F S J बोल रहा है, तो F S J की बात अगर करी जाए तो देखो कहां पर F, कहां पर S, कहां पर J, तो देखो F यहां पर है और मेरे भाई S यहां पर है, प्लस 3 होना चाहिए लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम नेचर के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये आपको ऑड वन आउट निकालना है और तीसरा वाला सेम नेचर का नहीं मिला तो उसको बोल दे, उसको बोल देंगे मेरे भाई कि निकलो पहली फुर्सत में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऐसा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले इस पे बात कर लेते हैं। सर ये प्रश्न आपका इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको मिलता जरूर है, अल्फाबेट्स का ये क्वेश्चन पेयरिंग वाला मिलता जरूर है, आरआरबी के क्लर्क में पूरा आपको मिला है, आरआरबी के पीओ में भी आपको मिला है मेरे भाई, तो आप इसको भूल नहीं सकते, इसका एहसान आप भूल नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है ना। कैसे, देखो पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते। कॉनक्लेव लिखा हुआ है, कॉनक्लेव कहता है कॉनक्लेव में लेटर्स के ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं मेरे भाई जिनके बीच उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स हैं जितने कि उन लेटर्स के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में भी होते हैं। ये कंसर्न है, जो पहली बार सुन रहा है वो भी सुन ले, जो पहले से जानता है वो आंसर दे दे। और इसमें क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों आपको जाना है। ये सर क्या है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, समझो सी से जब शुरुआत किए हम तो सी के बाद यहां पर क्या आगे बढ़े, डी ई एफ जी एच ई, तो आपने यहां पर देखा क्या किसी के बाद यहां पर डी ई एफ जी एच आई जे कोई भी लेटर उस प्लेस पर नहीं मिला जहां हम काउंट कर रहे थे, क्लियर है। तो सी से कोई भी पेयर यहां पर नहीं बना। अब ओ से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू कुछ भी उस प्लेस पर नहीं मिला जहां पर मिलना चाहिए था। तो आप जैसे ओ से आप यहां गए वैसे आपको ओ से यहां भी जाना है। ओ के बाद यहां पर क्या पी, समझ रहे हो, ओ के बाद यहां पर क्या पी, लेकिन यहां पर तो छोटा है ना उससे पॉसिबल नहीं है। एन की बात की जाए, एन के बाद यहां पर ओ पी क्यू आर एस कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और लेकिन यहां देखो एन के बाद यहां पर क्या मिल गया, ओ मिला, मिला कि नहीं मिला। अब जैसे यहां पर इनके बीच एन और ओ के बीच जीरो है वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में देखो एन के बाद क्या आता है, सीधे ओ आता है, इनके बीच भी कितना है जीरो है, यही कहना चाह रहा है सर जी वो, ठीक है ना। अब आप सीखिए नया तरीका, अब आप सीखिए नया तरीका, कभी भी इस क्वेश्चन को ऐसे कॉपी लेटर में मत किया करिए, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया करिए। नंबर का प्लेस, इस लेटर का प्लेस वैल्यू याद करना मैं कोडिंग वाले पार्ट में सिखाऊंगा, जिनको याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है वहां पर बिल्कुल ऐसा सीख जाओगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो सी का कितना हुआ, सीधे ये उतारना ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन देखा डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा, थ्री, उसका सी का प्लेस वैल्यू कितना हुआ थ्री, ओ का कितना हुआ 15, बिल्कुल बगल बगल, और एन का कितना हुआ 14, दूर से दिखेगा पेयर, दूर से दिखेगा लहराता हुआ। सी का कितना हुआ बेटा यहां पर 3 हुआ, एल का कितना हुआ 12 हुआ, ए का कितना हुआ 1 हुआ, वी का कितना होता है 22,
टू होता है और ई का कितना हुआ पांच। अब देखो नंबर में आप कंपेयर बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन लेटर में वहां पर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब देखो दूर से दिख रहा है 14 और 1 15, दूर से दिख रहा है 14 1 15, 12 से 13 और 14 दूर से दिख रहा है मेरे भाई, और 1 से देखो 2 और 3 2 और 3 दूर से दिख रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना गुरुजी? 22 सबसे बड़ा है, कभी भी ना उसके बैकवर्ड जाओ ना कभी भी फॉरवर्ड जाओ, क्लियर है बात। अब यहां पर किसकी बारी है? 5 की। तो 5 के बाद बात करें यहां पर, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 कुछ नहीं मिला। अब यहां पर कौन सा बाकी रह गया? 12 के बाद 13 14 15, लो एक और मिल गया। कितने बन गए दूर से दिखने में? 1 2 3 और 4 बन गए। बोलो ये आसान है कि नहीं? बोलो ये तरीका आसान है कि नहीं है? फटाफट बताएंगे, आसान है तरीका ना, इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, चलिए फटाफट बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है क्लर्क लेवल पे। आइए बात करते हैं फटाफट, आइए बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग अगर अपने काम पर ध्यान दें तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरों की बुराइयां गिनने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से भाई वो बुराई जो है ना उनके अंदर जो समाहित है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको नष्ट कर देगी, ऐसा मैं जानता हूँ, है ना। तो चलिए, इसलिए अच्छे कर्म करिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना। कर्मा इज अ बिग थिंग, ठीक है ना, जैसा करना वैसा भरना, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लोग कहते हैं स्किप कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग को क्वेश्चन कहते हैं लोग यहां पर स्किप कर देंगे, बिल्कुल यार कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, और जिसका इंग्लिश में मीनिंग्स बहुत अच्छा है वो स्किप नहीं करेगा। अरे बाबा कौन करेगा जिसका मीनिंग अच्छा नहीं है मेरे भाई, बहुत संतुष्ट होकर कहने वाली बात है मेरे भाई। चलो आगे बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा है। तो गाइस इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सेकंड कौन है मेरे भाई? ए हो गया। फिर कहा गया फोर्थ, तो यहां पर कौन सा हो गया? आर हो गया। फिर कहा गया फिफ्थ, यहां पर क्या हो गया? आई हो गया। फिर यहां पर कहा गया है सिक्स कहा गया, और यहां पर क्या हो गया? आपका सी हो गया, क्लियर। 1 2 3 4 5 सी हो गया। अब मुझे बताओ क्या इससे मिलकर के कोई मीनिंगफुल वर्ड अगर बनाया जा सकता हो तो प्लीज। कुछ लोग कह रहे हैं ARIC कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या? नहीं सर, कोई भी मीनिंगफुल, क्या इसको सफल करके मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। तो उसने कहा गया है कि इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म योर आंसर विल बी एम, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म योर आंसर विल बी व्हाट एन। तो मेरे भाई मैं आपको आंसर की बात अगर करूं तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? एन, क्योंकि कोई भी वर्ड ARIC से नहीं बन रहा है। बन रहा हो तो मुझे प्लीज बता देना। That's why answer will be यहां पर N, मतलब चौथा विकल्प बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न, एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट यहां पर बात कर लेते हैं। पेयर वाला है, जल्दी से बताएं कितना पेयर बनेगा। वेरी गुड गाइस, प्लीज कम ऑन एवरीवन। हाँ, कुछ भी नहीं बना माधुरी, बिल्कुल आपका सही आंसर है बच्चे, कुछ भी यहां पर मीनिंगफुल नहीं बना, ठीक है। चलिए कुछ भी नहीं बना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार। जलवे, बहुत ही बढ़िया। चलिए बात करते हैं यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं। यहां पर परसिस्टेंट है, मैंने क्या बोला था? उसका नंबर यहां पर लिखना, ये सरल तरीका होता है। P का वैल्यू 16, E का वैल्यू 5, R का वैल्यू 18, S का वैल्यू यहां पर कितना 19, I का वैल्यू कितना 9, S का वैल्यू कितना 19, T का वैल्यू कितना 20, E का वैल्यू कितना 5, N का वैल्यू कितना 14, T का वैल्यू कितना 20। अब बनाइए पेयर फटाफट भैया, जल्दी पेयर बनाइए, ठीक है। क्या कह रहा है? 16 की बात की जाए 17, और क्या बना 18, और फिर 16 से क्या बना 17 18 19, और देखो सबसे बड़ा 20 है, और 20 19 के बगल में नहीं, आगे जाने का नहीं,
आगे जाने का नहीं मेरे भाई। फिर देखो 5 से देखो 5 का 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी ना मिला। अब बात करें अब 18 से, 18 से क्या बना 19। अब आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे 20 बहुत दूर है, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पीछे जाओगे तो 18 से सब छोटे ही है, जाने का मतलब नहीं है। 19 की बात कीजिए, 19 और 20 तो आएगा नहीं ना, यहां पर आएगा। 9 के बाद यहां पर क्या 10 11 12 13 14 कुछ नहीं मिला। 9 के बाद 10 11 12 13 14 कुछ नहीं मिला। अब यहां पर कह रहा है 19 की बात, 19 से क्या मिल गया 20 मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। और फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 सबसे बड़ा है, आगे जाने का नहीं। अब 20 जो सबसे बड़ा होता है उससे कभी भी पेयर नहीं बनता है। और फिर बात करें 5 की, तो 5 के बाद 6 7 कुछ नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 कुछ नहीं बना। 14 की बात की जाए 15 16 17 18 19 क्या बना 19। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा मोर देन 4 आ गया, आंसर हमारा मोर देन 4 आ गया। 4 के अलावा 5वां जैसे बना, बोलो यहां पर आंसर हमारा क्या गया मोर देन 4। तो गाइस आज के लिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अल्फाबेट्स के प्री के मॉड्यूल में जितना भी आता है हमने उतना यहां पर पढ़ लिया। आपका पेयरिंग वाला आता है, नंबर अरेंजमेंट, तो हम यहां पर आपके साथ यहां पर लेटर की सीरीज को भी डिस्कस कर चुके, नंबर टोटल डिस्कस कर चुके, मिसलिनियस भी डिस्कस कर चुके, और मेरे भाई यहां पर आपके सामने हम क्या डिस्कस कर चुके, आपके सामने हम डिस्कस कर चुके हैं 3 लेटर पे बेस क्वेश्चन और 3 नंबर पे बेस क्वेश्चन। कल मैं लेकर के आऊंगा, कल मैं लेकर के आऊंगा अल्फाबेट पार्ट से थोड़ा सा कुछ अपडेशन मॉड्यूल, जहां पर अगर पेपर थोड़ा टफ हो जाता है तो वो आपके काम आने वाला है। एक आपका अल्फाबेट का एक अपडेशन मॉड्यूल लेकर के आने वाला हूं, कल आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। और कल हम यहां पर टाइमर लगा करके ये कह सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक के टेस्ट को कल हम लेने वाले हैं, फैला दो पूरी दुनिया में और कल चेक कर लो तुम्हारा अल्फाबेटिकल आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा न्यूमेरिक तैयार हुआ कि नहीं हुआ। कल अल्फा न्यूमेरिक को क्लोज करो यार, खत्म करो अल्फा न्यूमेरिक को, क्लोज करो। सर हम सब आकर लेंगे और समय के साथ करेंगे, 15 सेकंड का टाइमर लेकर चलेंगे, 10 सेकंड का टाइमर लेके चलेंगे, जहां जिसकी नीड होगी वहां शुभम आपका भाई लेकर के चलने वाला है। मेरे भाई बिल्कुल लास्ट में जाते जाते बोलना चाहूंगा आपके लिए, मैं बिल्कुल रीजनिंग का जो ये बैच लेकर के आने वाला हूं, मेरे भाई मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये बैच आप सभी के लिए बिल्कुल, कहते हैं ना वो अमृत साबित होगा, बिल्कुल अमृत साबित होगा। क्योंकि यहां पर वो सारे लोग जो यहां पर रीजनिंग से फियर करते हैं या जिसको लगता है रीजनिंग में पूरे मार्क्स चाहिए, स्पीड चाहिए, सारी चीजें आपको यहां पर क्वालिटी मिलने वाली। मेरे भाई जाइए आज ही यहां पर इसको एनरोल करा लीजिए, फिर शुभम सर आपके साथ यहां पर शरीक होने वाले हैं बहुत ही जलवे के साथ। और मेरे भाई फिर से बोलूंगा कि आपका 16th of October हम तीनों लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, इसको भी लेना आप यहां पर बिल्कुल भी ना भूले, बिल्कुल पसल में भी आएंगे, सिटिंग में सब में आएंगे मेरे भाई बिल्कुल। चलो अभिषेक तुमने अगर ये बात कहा है कि सर डेली एक सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल डेली रूटीन, चलो एक काम करूंगा ना, मैं होमवर्क के लिए लेकर के आऊंगा, ये कर दूंगा मैं होमवर्क के लिए लेकर के आऊंगा आपके लिए सिटिंग पजल, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और जहां पर जरूरत होगी वहां पर बताऊंगा भी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी यहां पर जितने लोग जुड़े हुए सबसे मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, इस वीडियो के लिंक को मेरे भाई क्लास खत्म होने के बाद लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद यहां पर जहां जहां हो सके शेयर कर दीजिएगा। डेली जुड़िए शुभम सर के साथ और आपके शुभम सर आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक मेरे भाई। अगली क्लास यहां पर आशीष सर की है, जुड़ना ना भूलें। और आज 62% का जो आपका यहां पर क्या बेहतरीन तरीके का यहां पर ऑफर चल रहा है, इसका आप यहां पर फायदा जरूर उठाएं। और मेरे भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जाकर के चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले फटाफट, क्योंकि यहां पर आपको डेली बेसिस पर क्लासेस ऑन टाइम, नोटिफिकेशन बेल पे वहां पर प्रेस भी कर देना, ताकि आपको मिलती रहे क्या कि कैसे कैसे क्लासेस कब कब यहां पर हो रही हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ गुड डे, और पढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़ते रहिए और इतना आगे बढ़ते रहिए कि अपने मां बाप का नाम रोशन करते रहिए मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच गाइज़।